चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेनकिंस का अगला टॉपिक। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, आज के वीडियो में हम लोग जेनकिंस का अगला प्रोजेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं। हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में जेनकिंस के ऊपर एक सिंपल सा प्रोजेक्ट करके देखा था। आज के प्रोजेक्ट में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। एक्स्ट्रा वर्क मतलब आज के प्रोजेक्ट में हम लोग डॉकर कंटेनर को इन्वॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले प्रोजेक्ट में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन आज का प्रोजेक्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और कॉम्प्लेक्सिटी भी है। तो आज के प्रोजेक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पुराने वाले प्रोजेक्ट को याद करना होगा, क्योंकि आज के प्रोजेक्ट में 80% जो पार्ट है वो पुराने वाले प्रोजेक्ट का ही है, सिर्फ 20% एक्स्ट्रा है। तो अगर आपको आज का प्रोजेक्ट अच्छे से समझना है तो पुराना वाला प्रोजेक्ट अब याद करिए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को पुराना वाला प्रोजेक्ट का पिक्चर समझा दूं, फिर नए वाले प्रोजेक्ट में हम लोग आज बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं लास्ट वाले प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था। तो लास्ट वाले प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था, हमारे पास ये डेवलपर का सिस्टम था, राइट। और उसके बाद हमारे पास ये ऊपर जेनकिंस सर्वर था, सॉरी गिटहब था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जेनकिंस सर्वर था, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर एंसिबल सर्वर था, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर था वेब सर्वर, ठीक है। तो लास्ट वाले प्रोजेक्ट में क्या था, डेवलपर यहाँ पर अपना सोर्स कोड लिखता था, कमिट करता था, गिटहब में पुश करता था, जेनकिंस में आके जॉब चलती थी, एंसिबल के पास आता था, एंसिबल क्या करता था, डायरेक्टली इस वेब सर्वर पे डिप्लॉय कर देता था। लेकिन आज के प्रोजेक्ट में हम लोग वेब सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करने वाले। आज के प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर के ऊपर डिप्लॉय करने वाले हैं। तो ये वेब सर्वर नहीं होगा, ये होगा डॉकर होस्ट, ठीक है। और डॉकर होस्ट के अंदर कंटेनर बनेगा, कंटेनर पे डिप्लॉय करने वाले हैं हम लोग आज के प्रोजेक्ट में। तो इस प्रोजेक्ट के लिए यहां पर जो डेवलपर होगा वो क्या करेगा, अपने सिस्टम में बैठ के डॉकर फाइल लिखेगा, ठीक है। और डॉकर फाइल को कमिट करके गिटहब में पुश किया करेगा। और ये डॉकर फाइल और ये डॉकर, ये टर्म्स उन बंदों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो बंदे ऑलरेडी डॉकर को पढ़ रखे हैं। और आज का प्रोजेक्ट डॉकर पे डिपेंडेंट है, तो डॉकर आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सबसे बोलता हूँ कि पहले आप लोग डॉकर को पढ़ लें, अगर इस प्रोजेक्ट को वॉच कर रहे हैं तो। तो ये डेवलपर है और ये डेवलपर क्या कर रहा है, डॉकर फाइल लिख रहा। किस टाइप की डॉकर फाइल, मैं वो भी सैंपल दिखा देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी है, जो हमने डॉकर फाइल डॉकर के कोर्स में यूज किया था उसी को मैं आप ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये वही डॉकर फाइल है जो हम लोग डॉकर के कोर्स में यूज करते थे, ये रही डॉकर फाइल। ये ले, ये डॉकर फाइल है, आप देख सकते हैं इस डॉकर फाइल को बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर, क्या बोल रहा है डॉकर फाइल, फ्रॉम सेंटोस मेंटेनर, ये देखिए ये पैकेज इंस्टॉल कर रहा है। और ये देखिए ऐड, ये यूआरएल है, ये यूआरएल क्या है, ये सोर्स कोड का यूआरएल है, ठीक है ना, ये यूआरएल है सोर्स कोड का। तो हालांकि ये यूआरएल जो यहाँ पे मेंशन है वो इंटरनेट से मैंने उठाया है, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डेवलपर नहीं है, यहाँ पर कोई एक डेवऑप्स इंजीनियर है जो इस डॉकर फाइल को लिख रहा है, जिसको डॉकर फाइल का अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें लिनक्स एडमिन की पार्ट है जो हमने डिफाइन किया है। और डेवलपर किसी अदर मशीन में बैठ के सोर्स कोड लिख रहा है और किसी सेंट्रलाइज सर्वर पे पेस्ट कर देता है, और उस सेंट्रलाइज सर्वर पे हमने एक यूआरएल शेयर कर रखा है, और वो यूआरएल लाके यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, ये लीजिए। तो डेवलपर जितने भी सोर्स कोड लिखता है उस यूआरएल पे वो कर रहा है, और उस यूआरएल को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कंपनी में कि यहाँ पर कोई एक डेवऑप्स इंजीनियर है जो डॉकर फाइल को लिख रहा है,
और सोर्स कोड के रिगार्डिंग जो भी चीज चाहिए वो डेवलपर अपना किसी रिमोट मशीन में लिख रहा है और एक सेंट्रलाइज सर्वर पे पेस्ट कर देता है। उस सेंट्रलाइज सर्वर पे हमने यूआरएल शेयर कर रखा, वही यूआरएल यहाँ पर डेवऑप्स इंजीनियर यूज कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये डॉकर फाइल कमिट होगी और कमिट जैसे कमिट होती है, कमिट होने के बाद गिटहब में पुश किया जाता है, और जैसे ही पुश होता है तो पुश होने के बाद क्या होता है, गिटहब आपका जेनकिन के साथ इंटीग्रेट है। तो जेनकिन्स क्या करती है यहां पर, तो जेनकिन्स में जॉब चली तो ये डॉकर फाइल क्या हुआ, जब जॉब चली तो डॉकर फाइल क्या हुआ आपका, इस जेनकिन सर्वर पे आ गया। अब आप सबको पता है जब जॉब चलती है तो जेनकिन सर्वर पे कौन से पाथ पे आता है, वेर लिब जेनकिन्स के अंदर वर्क स्पेस नाम का फोल्डर बनता है, राइट। वर्क स्पेस के अंदर जिस भी नाम की अपने जॉब बनाई उस नाम का एक फोल्डर होगा और उसके अंदर आ जाएगा। तो अब हम लोग यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि जेनकिन सर्वर पे ही हमने डॉकर का पैकेज डाल दें और वहीं पे बैठ के उस डॉकर फाइल को बिल्ड करके इमेज बना लें, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जेनकिन सर्वर पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कम है तो आप ये काम ना करें, क्योंकि और लोड बढ़ जाएगा जेनकिन सर्वर पे, क्योंकि इमेज बिल्ड होगी, है ना। तो कई बार इंडस्ट्री में ऐसा किया जाता है कि डॉकर फाइल को जेनकिन सर्वर पे मंगा तो लिया जाता है, लेकिन डॉकर फाइल को फिर किसी और मशीन में कॉपी करवा दिया जाता है और उस मशीन में बैठ के उसे बिल्ड करवाया जाता है। जैसे कि यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं कि जॉब चलने के बाद जो डॉकर फाइल जेनकिन्स में आई, मैं यहां पर क्या करूं, जेनकिन्स से उस डॉकर फाइल को उठा के एंसिबल पे पेस्ट कर दूं कमांड डिफाइन करके, है ना, आरसिंक वगैरह देखा था आपने। तो डॉकर फाइल कहां पे आ जाएगी, वो डॉकर फाइल आ जाएगी आपकी, आ गई आपके एंसिबल में। और मैं यहां पर क्या करूं, एंसिबल के अंदर मैं डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर दूं और उसके बाद मैं जेनकिन सर्वर पे जाके कुछ कमांड डिफाइन कर दूं और ये बता दूं ये कमांड एंसिबल मशीन में चले, और वो कमांड क्या होगी, बिल्ड होने की, टैग लगने की और पुश होने की। तो मान लीजिए मैंने कमांड डिफाइन कर दिया जैसे डॉकर इमेज बिल्ड हाइफन टी, मैंने टैग दे दिया जैसे माई इमेज, नाम दे दिया माई इमेज और टैग दे दिया वी वन, और ये डॉट करंट पाथ बिल्ड हो गई। अब जैसे बिल्ड हुआ तो इमेज बन गया, इमेज का नाम क्या आ गया, मान लीजिए इमेज का नाम तो ये आ गया माई इमेज और उसमें टैग हमने ये डिफाइन कर दिया, ये इमेज बन गई। अब मैं इस इमेज को क्या करूं, इस इमेज को यूज करके मैं डॉकर होस्ट में कंटेनर डिप्लॉय करूं और उस कंटेनर के अंदर इस इमेज को डिप्लॉय कर दूं, बन गया मेरा काम। लेकिन अब मैं वो कैसे करूंगा, उसको करने के लिए आप यहां पर एंसिबल पे जाके एक प्लेबुक डिफाइन कर लें। जैसे मैंने एक प्लेबुक बना लिया, फॉर एग्जाम्पल प्लेबुक का नाम मैंने ले लिया डॉकर डॉट यामल, ये लो, डॉकर होस्ट और टास्क में मैंने सेल मॉड्यूल यूज कर लिया डायरेक्टली, डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटीडी हाइफन हाइफन नेम, माई कंटेनर ले लिया मैंने यहाँ पर नाम, हाइफन पी पोर्ट मैपिंग ले लिया मैंने, ये लो इमेज ले ली मैंने माई इमेज वी वन, ठीक हो गया, ये लो। तो ये प्लेबुक मैंने एंसेबल में बनाया और ये प्लेबुक जब रन होगी तो कहाँ पे चलेगी, डॉकर होस्ट में, तो जाके ये कंटेनर बना के आ जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है, ये इमेज को मैं किसी सेंट्रलाइज लोकेशन में रखना चाहता हूँ, कहाँ पे रखना चाहता हूँ, किसी सेंट्रलाइज लोकेशन में। तो आप सबको पता है सेंट्रलाइज लोकेशन में अगर आप इमेज बिल्ड करते हैं और उस इमेज को सेंट्रलाइज लोकेशन में रखना चाहते हैं, एंसिबल सर्वर पे मैं नहीं रखना चाहता, तो आप सबको पता है कि आप अपनी प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर बना लें या फिर आप क्या करें, डॉकर हब को यूज कर लें। तो यहां पर मैं इमेज बिल्ड होने के बाद डायरेक्टली मैं उस इमेज को यूज करके डॉकर डॉकर होस्ट में कंटेनर नहीं बनाऊंगा, पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, जब वो इमेज बिल्ड होगी तो सबसे पहले मैं उसे एक सेंट्रलाइज लोकेशन में रखूंगा,
तो सेंट्रलाइज लोकेशन आपका प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर भी हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप डॉकर हब यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग डॉकर हब यूज करेंगे। अब प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने डॉकर के कोर्स में देख ली हैं। तो मैंने यहां पे बोला कि जैसी इमेज बिल्ड हो, तो इमेज जैसी बिल्ड हो तो उसे एक टैग डिफाइन करके डॉकर हब में भेज देना। तो मैंने यहां पे डॉकर इमेज टैग, मैंने इसको टैग दे दिया। और आप सबको पता है कि डॉकर हब में अगर आप अपनी इमेज पुश करना चाहते हैं तो आपके पास डॉकर हब में एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, और मेरी अकाउंट आईडी ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ SD171991, और ये मैंने टैग दे दिया, ये लो, ठीक है। उसके बाद टैग देने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, डॉकर इमेज पुश, ये लो, परफेक्ट। तो क्या होगा, ये इमेज बिल्ड होने के बाद टैग सेट होगा, और टैग सेट होने के बाद क्या होगा, ये इमेज बिल्ड हुई और इसकी एक टैग सेट हो गया यहां पर, यहां पर टैग क्या सेट हो गया, ये हो गया, राइट। अब एक चीज ध्यान दें, मैं ये सारी कमांड जेनकिन सर्वर पे डिफाइन तो कर रहा हूं, लेकिन सारी कमांड किसके लिए डिफाइन कर रहा हूं, एंसिबल पे चलने के लिए। तो एंसिबल पे चली और ये टैग सेट हुआ और ये क्या हुआ, जाके यहाँ पे पुश हो गया, ठीक है। ये लो, ये आ गया डॉकर हब में, ये लो। अब उसके बाद जैसे ही पुश होगा, पुश होने के बाद अब ये प्लेबुक चलेगा। अब जब ये प्लेबुक चलेगा तो प्लेबुक, प्लेबुक में मैंने यहां पर इमेज डिफाइन जो किया है, वो इमेज यहां पर क्या होगा, यहां पर इमेज होगा दोस्तों SD171991, क्योंकि मेरे अकाउंट पे गई हो अकाउंट आईडी के साथ, ये लो। तो जब ये प्लेबुक चलेगा, तो ये प्लेबुक जब चलेगा तो प्लेबुक रन होगा, तो ये जो कमांड है वो कमांड कहाँ पे चलेगी, डॉकर होस्ट में चलेगी। डॉकर होस्ट में चलेगी तो कमांड किस, कौन सी कमांड है, कंटेनर बनाने की। तो कंटेनर जब बनेगा तो उसके अंदर ये इमेज, तो ये इमेज पहले लोकल पे ढूंढेगा, और लोकल पे नहीं मिलेगा तो डॉकर हब में जाएगा, और डॉकर हब में जाके उस अकाउंट से वो पुल कर लेगा और कंटेनर बना के उसके अंदर इमेज डिप्लॉय करके दे देगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम अभी आपके पास नहीं आ रही, नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आएगी, ये जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया, ये आधा अधूरा सिनेरियो है, आधा अधूरा। अब यहां पे प्रॉब्लम कब आएगी पता है, प्रॉब्लम यहां पे तब आएगी जब आप फर्दर फ्यूचर में इस डॉकर फाइल को एडिट करते हैं। मान लीजिए डेवलपर था, डेवलपर ने बोला कि सोर्स कोड चेंज हो गया, ठीक है, और आपने सोर्स कोड का यूआरएल भी चेंज हो गया। अब उस यूआरएल को आप लेके आते हो इस डॉकर फाइल पे, आपने इस वाले यूआरएल को हटा के आपने दूसरा वाला यूआरएल मेंशन कर दिया। डॉकर फाइल को आपने कमिट किया, कमिट करके गिटहब में डाला, गिटहब में जैसे ही डाला, गिटहब इंटीग्रेशन था जेनकिंस के साथ, तो नई डॉकर फाइल यहां पे आ गई। अब जेनकिंस के पास नई डॉकर फाइल आई, राइट, जेनकिंस ने क्या किया, एंसिबल सर्वर को नई वाली डॉकर फाइल दे दी, क्योंकि दोबारा जॉब चल रही है। तो अब इसके पास आई, एंसिबल के पास, तो जॉब का अगला स्टेप क्या है, बिल्ड होना। जॉब का अगला स्टेप क्या है, बिल्ड होना। तो डॉकर फाइल बिल्ड होगी, जब वो डॉकर फाइल बिल्ड होगी तो बिल्ड होने से रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी पता है, क्योंकि जब वो बिल्ड होगा तो ये वाली जब कमांड चलेगी तो वो क्या बोलेगा, भाई यहां पर डॉकर इमेज बिल्ड नेम और ये टैग क्या है, इस नेम और इस टैग की इमेज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहीं पे रुक जाएगी। अगली वाली कमांड भी आपकी नहीं चल पाएगी, क्यों, बोलेगा भाई ये टैग तो ऑलरेडी सेट है। पुश वाली भी नहीं चल पाएगी, बोलेगा भाई डॉकर हब में तो उस नेम की और उस टैग की इमेज ऑलरेडी है। तो आपका जो एजेंडा था, आपका एजेंडा क्या था कि यार ये पुराना वाला जो सोर्स कोड का था वो तो पुराना हो गया, अब नया सोर्स कोड आप अपडेट कर रहे हो, तो आपका एजेंडा फेल हो गया।
तो इस एजेंडा को पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, जेनकिन सर्वर पे जो जॉब आपने बनाई थी उस जॉब के अंदर जाना पड़ेगा और डॉकर इमेज बिल्ड हाइफन टी माई इमेज का नाम चेंज करिए या फिर थोड़ा सा वर्जन चेंज कर दीजिए, टैग चेंज कर दीजिए, जैसे V1 है तो V2 कर दीजिए, तभी तो वो नई जॉब चल पाएगी प्रॉपर। तो मतलब आपको जेनकिन सर्वर पे उस जॉब को जाके एडिट करनी पड़ेगी, मतलब जब भी डेवलपर या डेवऑप्स इंजीनियर डॉकर फाइल पे चेंजेस करता है तो आपको जेनकिन सर्वर पे जाकर उस जॉब के अंदर जाकर डॉकर इमेज को बिल्ड होने की कमांड को एडिट करनी पड़ेगी एवरी टाइम। यही तो प्रॉब्लम है यहां पर, है ना। और ये बस एडिट नहीं करना, आपको एनसिबल सर्वर पे ये जो प्लेबुक डिफाइन है ना, ये प्लेबुक भी आपको एडिट करनी पड़ेगी। पता है क्यों एडिट करनी पड़ेगी? क्योंकि प्लेबुक के अंदर क्या लिखा है, इमेज क्या, देखिए SD17199/my_image:V1 है ना, V1 है तो वो चलेगी, V1 को ही उठाएगा वो, तो V2 उठाएगा नहीं। इसका मतलब यहां पर भी जाके भी आपको V2 करना पड़ेगा। तो यही तो प्रॉब्लम है, मतलब जब भी डॉकर फाइल पे चेंजेस होता है डेवऑप्स इंजीनियर को जेनकिन सर्वर के अंदर जाके उस जॉब के अंदर जो भी कमांड सेट किया है, प्लेबुक सेट किया है, उसके अंदर उसे चेंजेस करने पड़ेंगे। यही प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जेनकिन सर्वर पे कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल है, जेनकिन सर्वर पे कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल है, आप उस वेरिएबल का इस्तेमाल करिए। तो अगर आप उस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जॉब को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो वेरिएबल कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। पहले मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस बना लूं अपने लिए इसको हटा के। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार, ज़्यादातर कम इंटरव्यू में प्रोजेक्ट इसी के ऊपर करवाया जाता है आप लोगों से, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जेनकिन सर्वर के अंदर कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल है, राइट। जैसे एक वेरिएबल का नाम है जॉब अंडरस्कोर नेम और एक वेरिएबल है बिल्ड अंडरस्कोर आईडी। ये दोनों वेरिएबल हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जेनकिन सर्वर पे इमेज को बिल्ड होने की जो कमांड होती है वो क्या डिफाइन करेंगे पता है, हम लोग ये डिफाइन करेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉकर इमेज बिल्ड हाइफन टी, यहाँ पर मैं कोई अपने मन से इमेज का नाम नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं उस वेरिएबल को कॉल करूँगा, ये लो, ठीक है, ये वेरिएबल। अब ये वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। तो आप जेनकिंस में जो जॉब बनाएंगे, जॉब का नाम आप जो रखते हैं ना, जब आप जॉब क्रिएट करते हैं, जॉब का जो भी आप नाम रखते हैं वही नाम इस वेरिएबल की वैल्यू है। तो मान लीजिए जॉब का नाम आपने क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब रखा है, मान लीजिए आपने जॉब बनाया और जॉब का नाम आपने क्या रखा, क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब आपने रखा है, ठीक है। आपने जॉब बनाया, जॉब का नाम आपने ये रखा है, फिर से लिखना पड़ेगा, डॉकर इमेज बिल्ड हाइफन टी जॉब अंडरस्कोर नेम। तो क्या हो गया, इमेज का नाम क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब, क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब टैग, अब सवाल आता है टैग क्या दें। तो टैग यहां पर आप टैग के लिए आप ये यूज कर लें, ये वेरिएबल बिल्ड हाइफन आईडी कोलन बिल्ड हाइफन आईडी सॉरी अंडरस्कोर आईडी। तो याद होगा आपको जब जेनकिंस में जॉब चलती है, तो जब जॉब चलती है तो एक जॉब आईडी भी बन जाती है ना। जॉब फर्स्ट टाइम जॉब चली तो 1 हो गया, सेकंड जॉब चली तो 2 हो गया, थ्री थर्ड चली तो 3 हो गया। तो ऐसे ही जॉब नेम की वैल्यू क्या हो गई, ये
और बिल्ड आईडी की वैल्यू क्या होगी, जॉब आईडी। तो क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब कोलन वन, उठा लिया उसने, क्लियर। अब अगली बार जब जॉब चलेगी, जैसे ये कमांड सेट कर दिया मैंने, अब अगली बार जॉब चलेगी, जॉब चलेगी तो जॉब अंडरस्कोर नेम की वैल्यू क्या है, वही क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब, और बिल्ड आईडी क्या हो जाएगा, अगली बार जॉब चली तो अगली बार जॉब की आईडी 2 हो गई, तो 2 हो गया। देखो यहां पर मुझे आकर चेंज करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, सारा खेल वेरिएबल कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अब यहां पर आप चाहे तो अपने मन से भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां पर डॉलर आएगा क्योंकि वेरिएबल है, तो डॉलर मुझे लगाना पड़ेगा। अब अपने मन से आप यहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला यार V1, ये लो .v1 ऐसे, तो मैंने बोला जॉब नेम V1 वर्जन 1, देन उसके बाद आईडी, राइट। ऐसे भी आप चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आप मिस कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। जॉब नेम कोलन बिल्ड आईडी, लेकिन आप एक्स्ट्रा भी चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉट, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरीके से जब मैं टैग सेट करूंगा तो भी मैं यहां पर ऐसे ही वेरिएबल को यूज कर लिया हूं, कर लूंगा, लो भाई टैग, ये लो जॉब अंडरस्कोर नेम, ये लो SD171991, ये लो परफेक्ट, टैग हो गया सेट। उसके बाद जब मुझे पुश करना होगा तो लो मैं ऐसे पुश कर दूंगा, डॉकर इमेज पुश, लो पुश हो गया। तो अब क्या होगा, देखो जब जब जॉब चलेगी, बार बार जब जॉब चला करेगी तो आपको आकर एडिट करने की जरूरत नहीं है, और खुद जॉब अंडरस्कोर नेम की वैल्यू, जॉब का नाम और डॉलर बिल्ड अंडरस्कोर आईडी, जॉब की आईडी अपने आप होता जाएगा और ये पुश कर देगा, परफेक्ट। अब ये पुश कर दिया मान लो फॉर एग्जांपल, तो जैसे कि फर्स्ट टाइम जॉब चली तो फर्स्ट टाइम आईडी, फर्स्ट टाइम जब जॉब चली तो ये इमेज आ गई क्लाउड नॉलेजेस, क्लाउड नॉलेज जॉब V1, ये हो गया 1। सेकेंड चली तो अपने आप ही आ जाएगी क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब V1.2। थर्ड जॉब चली क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब V2.3, अपने आप होता जाएगा, है ना जायस। तो ये हो गई आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व, लेकिन अब यहां पर देखें आपका जो एंसिबल के अंदर जो हमने प्लेबुक डिफाइन किया था, प्लेबुक हमने क्या डिफाइन किया था, जो डॉकर होस्ट के लिए था वो क्या था, हमने ये बनाया था जैसे vim docker file .yaml, और हमने ये बनाया था शेल मॉड्यूल, हमने यहां पर यूज किया था, और क्या बोला था भाई, डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटी हाइफन हाइफन नेम क्लाउड नॉलेज ठीक है हाइफन पी पोर्ट मैपिंग, और आपने इमेज का नाम ये दिया था माई इमेज, ठीक है ये फिक्स कर दिया था आपने, तो फिक्स वाली
बात तो हमने खत्म कर दी थी। मान लीजिए अभी के केस में आपने ये डिफाइन कर दिया, जैसे क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब, और आपने ये डिफाइन कर दिया है v1.fun, ठीक है, ये आपने डिफाइन कर दिया है प्लेबुक के अंदर। अब आप देखें डॉकर हब में तो v1.2, v1.3, v1.4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी डॉकर होस्ट में जो कंटेनर बनेगा और उस कंटेनर में जो इमेज जाएगी तो कौन सी जाएगी, वो तो प्लेबुक के अंदर जो डिफाइन है वही उठाएगा, प्लेबुक के अंदर जो डिफाइन है ये तो वही वाला उठाएगा, ये तो v2 को उठाएगा नहीं, v3 को उठाएगा नहीं। तो इसका मतलब आपको प्लेबुक में आके तो चेंजेस करने ही करने पड़ेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम आ गई ना, मतलब अभी आपका काम पूरा हुआ नहीं है, आप आधे स्टेप तक सक्सेसफुल हो चुके हो, अभी आधा स्टेप आपको और सक्सेसफुल होना है, प्लेबुक में तो आके आपको चेंजेस करने ही करने पड़ेंगे, फिर तो बिल्कुल करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि अगर आप कोई कंटेनर बनाते हैं और अगर आप वर्जन नहीं देते हैं, सिर्फ नाम देते हैं, सिर्फ नाम देते हैं, मान लीजिए इतना देते हैं नाम, टैग आप नहीं देते हैं, है ना, तो क्या करता है डॉकर हब से लेटेस्ट वाला उठाता है, क्या करता है लेटेस्ट वाला उठाएगा, लेकिन डॉकर हब में उस इमेज का कोई लेटेस्ट तो पड़ा ही नहीं है, वो सब टैग के साथ पड़े हुए 1, 2, 3, तो आपको बोलेगा भाई इमेज है ही नहीं डॉकर हब में। तो इसके लिए क्या सलूशन है, तो हम चाहते हैं कि डॉकर हब में जो इमेज पुश हो रही है उसकी वर्जनिंग भी मेंटेन हो, इमेज की वर्जनिंग, बोले तो वर्जन नंबर भी पढ़ा रहे और लेटेस्ट भी पढ़ा रहे, तो उसके लिए आप यहां पर कुछ एक्स्ट्रा कमांड आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे आपने इमेज बनाया था, ठीक है, इस इमेज को, ये इमेज आपने बनाया, इस इमेज को आपने टैग सेट कर दिया, ठीक है, ये टैग आपने सेट कर दिया, इसी के साथ साथ एक और टैग सेट करिए लेटेस्ट वाला सेम इमेज को। कैसे करेंगे देखिए, उसी इमेज को दो टैग हम लोग सेट करेंगे, एक टैग तो ये हो गया और एक टैग हम लेटेस्ट वाला सेट करेंगे, जैसे मैंने जॉब अंडरस्कोर नेम, ये लो, ये लो लेटेस्ट, परफेक्ट। तो इमेज एक बिल्ड हुई जिसकी एक टैग ये सेट हुआ और एक लेटेस्ट। उसके बाद हम लोग इस वाली इमेज को भी पुश करेंगे, इस वाले टैग वाली टैग को भी पुश करेंगे और लेटेस्ट वाले टैग को भी पुश करेंगे। इमेज पुश ये लो। तो ऐसा करने से क्या होगा पता है, कि जब आप इमेज पुश करेंगे तो इसका ये वाला टैग भी आएगा और इसी के साथ साथ इसका लेटेस्ट वाला टैग भी आएगा, ये लो। ऐसे जब आप v1.2 को भेजेंगे तो ये भी आएगा, उसका लेटेस्ट वाला भी आएगा, 3 भेजेंगे तो ये भी आएगा, इसका लेटेस्ट वाला भी आएगा। इसका मतलब डॉकर हब में इमेज की वर्जनिंग भी मेंटेन होगी। तो अगर लेटेस्ट वाला भी आ रहा है बार बार तो फायदा क्या होगा, एंसिबल के अंदर जो हमने प्लेबुक डिफाइन किया है, एंसिबल के अंदर जो हमने प्लेबुक डिफाइन किया है उस पर हम लोग क्या इमेज मेंशन करेंगे वो भी बता देता हूं। डॉकर होस्ट डॉकर कंटेनर रन -it -name क्लाउड नॉलेजेस -p, ये सारी चीजें तो आपको पता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब हम लोग यहां पर
इमेज का जो नाम है ना वो देंगे हालांकि आईडी के साथ, लेकिन अभी तक हम लोग क्या दे रहे थे, क्लाउड नॉलेजेस V1.1 ऐसे दे रहे थे। अब हम लोग टैग नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ इमेज का नाम लिख के छोड़ देंगे। तो आपको पता है अगर इमेज का नाम लिख के छोड़ दो तो डॉकर हब में से वो लेटेस्ट उठा लेता है, क्या उठा लेता है, लेटेस्ट टैग उठा लेता है ना, लेटेस्ट वाला, पुराना नहीं उठाएगा वो। तो अगर यहां पर जॉब चलती है और हर बार जॉब चलती है तो इमेज बनती है, बिल्ड होती है, उसका एक स्पेसिफिक टैग भी सेट होता है और एक लेटेस्ट टैग भी सेट होता है, उसके बाद एक स्पेसिफिक टैग भी हब में जाता है और लेटेस्ट भी जाता है, और उसके बाद जब वो प्लेबुक चलेगा तो क्या करेगा, जो नया वाला लेटेस्ट आया उसको उठा लेगा, है ना, पुराना वाला लेटेस्ट तो पुराने वर्जन पे चला जाएगा। तो फिर आपको प्लेबुक के अंदर भी आकर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो प्रैक्टिकल में सब क्लियर हो जाएगा। चलो अब इसी के साथ साथ कहानी अभी और भी खत्म नहीं हुई, और भी बता देता हूं हमें क्या क्या करना है। अब देखिए इमेज जब बार बार बिल्ड होगी तो एनसीबल सर्वर में कितनी सारी इमेज हो जाएंगी, है ना, बहुत सारी इमेज हो जाएंगी, बार बार जॉब चलेगी, बार बार बिल्ड होगी, एनसीबल सर्वर में भी इमेज है और हब में भी है, डॉकर हब में भी है। तो हम चाहते हैं कि एनसीबल सर्वर पे फालतू इमेज ना पड़ी रहे, तो हम एनसीबल सर्वर से इमेज को उड़ा सकते हैं, डिलीट कर दें जो भी इमेज बिल्ड हो रही। कैसे करेंगे, उसके लिए भी वही है, डॉकर इमेज आरएम, ये लो, टैग वाला भी डिलीट करना है, एक तो बिल्ड होके जो बनती है और वो डिलीट करना, और एक टैग आप जो लगा रहे हो वो भी डिलीट करनी पड़ेगी भाई। उसके बाद लेटेस्ट वाला भी, परफेक्ट। तो यहां पर क्या होगी, जॉब चलेगी तो ये इमेज पुश होने के बाद एनसीबल सर्वर से हट जाया करेगी, क्लियर, यहां से रिमूव हो जाया करेगी। चलो लेकिन यहां से इमेज रिमूव होगी, अब क्या होगा, अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम और आएगी आपके सामने, क्या आएगी बता देता हूं। अब आपने यहां पर क्या डिफाइन किया है, प्लेबुक एनसीबल के अंदर प्लेबुक आपने जो बनाया है जो डॉकर होस्ट में चलने के लिए, डॉकर डॉट यामल क्या बनाया आपने यहां पर, होस्ट डॉकर हाइफन होस्ट टास्क सेल मॉड्यूल आपने सेट किया है, डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटी हाइफन हाइफन नेम क्लाउड नॉलेजेस हाइफन पी और इमेज क्लाउड नॉलेज, ये आपने किया है। अब आप सबको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्लेबुक जब चलेगा ठीक है तो यहां पर एक कंटेनर बनेगा। अब आप सबको पता है जब कंटेनर बनेगा
तो लेटेस्ट वाली इमेज क्या करेगा, हब से डाउनलोड करके लोकल पे रख लेता है और कंटेनर बना के दे देता है। ठीक है, अब आपने बोला यार ठीक है, इस डॉकर फाइल पे चेंजेस हुआ, चेंजेस हुआ, कमिट हुई, यहाँ आई, दोबारा बिल्ड हुआ, बिल्ड होके एक नई स्पेसिफिक आईडी आई, एक नया लेटेस्ट आया, लेटेस्ट टैग आया, स्पेसिफिक टैग आया, वो यहाँ पे पुश हो गया, यहाँ पे पुश हुआ। अब जब पुश हुआ तो नई इमेज डॉकर हब में आ गई है, इसका मतलब डॉकर होस्ट में एक नया, वो पुराना वाला कंटेनर हटेगा और नया कंटेनर बनेगा और नई इमेज के साथ बनेगा, नया लेटेस्ट वाला उठाएगा। लेकिन जब ये प्लेबुक चलेगी, तो जब ये प्लेबुक दोबारा से चलेगा, तो ये जब यहाँ पर दूसरा कंटेनर बनाने की कोशिश करेगा, बोले तो इसकी जगह दूसरा कंटेनर बनाने की कोशिश करेगा, तो वो डॉकर हब से वो नया लेटेस्ट वाला इमेज को नहीं उठा पाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा पता है? क्योंकि आप सबको पता है कि डॉकर होस्ट का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो क्या होता है कि अपने लोकल पे इमेज को ढूंढता है, अपने लोकल होस्ट में ढूंढता है, तो लोकल होस्ट में तो उसे पुरानी वाली लेटेस्ट इमेज पड़ी है, तो हब में जाएगा ही नहीं। तो जब हब में जाएगा ही नहीं तो नई कमिट वाली इमेज यहां पे आ ही नहीं पाएगी इस कंटेनर पे। अगर आप पुराने वाले कंटेनर को डिलीट भी करें, क्योंकि वो लोकल होस्ट में तो पुराने वाली इमेज है ही है, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें इस प्लेबुक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिट करके चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एडिट क्या करना है पता है? कि डॉकर होस्ट में जो पुरानी वाली इमेज पड़ी है उसको उड़ा दीजिए पहले, तभी वो डॉकर हब में जाके नया लेटेस्ट उठाएगा। तो ये जो प्लेबुक है, इस ये प्लेबुक इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इस प्लेबुक में हमें और भी पैरामीटर लिखने पड़ेंगे जो मैं अभी आपको बता देता हूं। ये जो बता रहा हूं ये थ्योरी का फॉर्मेट है, जब प्रैक्टिकल करूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। जो भी एक दो वर्ड अगर यहां पर मिस हो रहे हो या किसी को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, ये जो मैं बता रहा हूं इसी का जब प्रैक्टिकल करूंगा तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो बता देता हूं प्लेबुक में एक्स्ट्रा क्या लिखना पड़ेगा हमें, और जो हमारी यहां पे प्लेबुक होगी जो डॉकर होस्ट में चलनी है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जो भी कंटेनर डॉकर होस्ट में है सबसे पहले वो बंद हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम पहले लिख दिया स्टॉप कंटेनर, और सेल मॉड्यूल ही यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो डॉकर कंटेनर स्टॉप कंटेनर का नाम, क्योंकि जो कंटेनर बनेगा उसको नाम दूंगा मैं, ये लो। उसके बाद रिमूव कंटेनर, स्टॉप करके वो कंटेनर रिमूव भी करना है, चाहिए नहीं है मुझे वो कंटेनर, नहीं चाहिए क्योंकि नया कंटेनर बनाना है आपका मुझे नई इमेज के साथ, तो उसको भी सेल मॉड्यूल से उड़ा देते हैं हम लोग यहाँ पर। डॉकर कंटेनर आरएम, कंटेनर का नाम क्या होगा, क्लाउड नॉलेज, ये लो। उसके बाद जब कंटेनर उड़ जाएगा तो हम बोलेंगे यार इमेज भी क्यों लोकल होस्ट में छोड़ रहा है, वो भी उड़ा दे। तो हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया अभी रिमूव इमेज डॉकर इमेज, तो उसके लिए क्या चल गई कमांड, डॉकर इमेज आरएम ये लो, इमेज का नाम ये था, ठीक है चलो। उसके बाद अब क्रिएट न्यू कंटेनर, ये लो। तो डॉकर कंटेनर रन -itd
हाइफन हाइफन नेम, क्लाउड नॉलेज हाइफन कंटेनर हाइफन पी, ये लो दोस्तों। तो ये है हमारी एक्चुअल प्लेबुक जो हमें प्रैक्टिकल में करके चलना है, ध्यान से देख लें, क्लियर। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट को करने के लिए देखिए एंसिबल का नॉलेज भी होना चाहिए, डॉकर कंटेनर का भी नॉलेज होना चाहिए, पूरा का पूरा थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। तो ऐसा सेटअप करने से फायदा क्या होगा, अब फायदा क्या हुआ देखिए, जब जब डॉकर फाइल पे एडिट होगी जॉब अपने आप चलेगी, अपने आप बिल्ड नंबर बिल्ड टैग उठाता रहेगा, राइट, अपने आप हब में जाता रहेगा, हब में इमेज की वर्जनिंग भी मेंटेन हो रही है, और उसके बाद जब एंसेबल पे प्लेबुक चलेगी तो यहाँ पे सेट है भाई पुराना वाला कंटेनर बंद करिए, रिमूव करिए, पुरानी इमेज हटाइए और नया कंटेनर बनाइए, तो हब से वो लेटेस्ट वाली इमेज को उठा लिया करेगा, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें अब जेनकिन सर्वर चाहिए, एंसेबल चाहिए, ठीक है, डॉकर होस्ट भी चाहिए, हब भी चाहिए। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। तो फिर ये रहा हमारा AWS, AWS में पहले हम लोग सर्वर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कम से कम 3 सर्वर बना लेता हूँ, एक जेनकिन्स के लिए, एक एंसेबल के लिए और एक डॉकर होस्ट के लिए, ठीक है ना। गिटहब में ही हम लोग कमिट वगैरह कर लेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली गिटहब में ही जाके, और डॉकर होस्ट में मेरा अकाउंट ऑलरेडी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉकर हब में मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, ये लो। तो पहले मैं 3 सर्वर बना लेता हूँ जल्दी से। गिटहब में भी मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 सर्वर ले लेते हैं हम लोग। तो एक को हम लोग जेनकिन सर्वर मान लेते हैं, इसको हम लोग एंसिबल मान के चलते हैं, और इसको हम लोग मानते हैं डॉकर होस्ट, ठीक है। सबसे पहले जेनकिन्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम लोग पुट्टी से कनेक्ट करके। तो आप सबको पता है जेनकिन्स के लिए सबसे पहले जावा रिक्वायर्ड है, तो जावा इंस्टॉल कर लेते हैं।
तब तक मैं जेनकिंस का पैकेज यहां से लेके आता हूं। इसको यहां से कॉपी किया। हालांकि ये सारी चीजें मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में कर रखी थी, लेकिन मैं दोबारा से इसलिए करा रहा हूं कि आप लोगों को चीजें याद आ जाए। ये हो जाए पहले। चलो अगली कमांड क्या थी? ये थी अगली कमांड, ये हमें इंस्टॉल जेनकिंस। चलो जेनकिंस का डेमन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। परमानेंट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें गिटहब का पैकेज भी डाल लेते हैं, क्योंकि जब गिटहब का यूआरएल इंटीग्रेट करेंगे तो इशू आएगा, तो पहले से पैकेज डाल लेते हैं। और क्यों डालते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बता रखी है। स्टार हटा देता हूँ। चलो तो जेनकिन सर्वर को हम लोग कर लेते हैं अभी पहले कनेक्ट यूआरएल पे। पासवर्ड ले लेते हैं। यूज़र नेम सेट कर लेते हैं। चलो तो जेनकिन सर्वर हमारा हो गया रेडी, देख सकते हो आप लोग। अब हम लोग अपना एंसिबल को थोड़ा रेडी कर लेते हैं।
तो एंसिबल का पैकेज यम इंस्टॉल एंसिबल, ये वो बोल रहा है भाई ये कमांड चलाओ, कोई बात नहीं। चलो अब क्या करना है हमें, etc ansible host के अंदर जाना है और docker host की आईपी ऐड करनी है ना। तो ग्रुप हमने बता दिया docker hyphen host या docker host, और docker host हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा docker host। docker host को भी कनेक्ट करना पड़ेगा अभी हमें, तो ये आईपी मैंने यहाँ से उठाया और ये लो। लेकिन मुझे एंसिबल सर्वर से की बनाकर डॉकर होस्ट में डालनी पड़ेगी जिससे कीलेस ऑथेंटिकेशन हो जाए। चलो की मैंने बना दी, लेकिन ssh-copy-id-i root@ ये सेंड अभी नहीं होगी क्योंकि डॉकर होस्ट में रूट लॉगिन अभी बंद है ना। तो डॉकर होस्ट को पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें लिनक्स के बंदे को समझ आ गई होंगी क्या बोल दिया मैंने। सॉरी मैंने प्राइवेट आईपी को से ही कनेक्ट कर रहा हूँ, पब्लिक लेनी है मुझे क्योंकि मैं जिस मशीन से बैठ के कनेक्ट कर रहा हूँ मशीन तो पब्लिक नेटवर्क पे है, तो दोबारा से करना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले मैं रूट का पासवर्ड सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाता हूँ। रीस्टार्ट SSH, चलो अब मैं शेयर कर देता हूँ। चलो हो गया सर, लेकिन मुझे Ansible सर्वर में एक काम और करना है ना, क्योंकि सिनेरियो पे अगर चलो तो Ansible सर्वर पे ही बैठ के हम डॉकर फाइल को बिल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब Ansible सर्वर में हमें डॉकर का पैकेज भी डालना पड़ेगा। डॉकर होस्ट में तो हमें डालना ही डालना है, हालांकि इंडस्ट्री में अगर आप Jenkins सर्वर पे ही डॉकर की फाइल बिल्ड कर रहे हैं तो Jenkins सर्वर पे डॉकर का पैकेज डाल देना, ये बात ध्यान रखना। लेकिन मैं Jenkins सर्वर पे डॉकर की फाइल बिल्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास Jenkins सर्वर पे 1 GB रैम है ना, तो मैं अननेसेसरी ज़्यादा वर्डन Jenkins पे नहीं डाल रहा हूँ, एनसेबल पे ही करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने इंस्टॉल किया रहा इंस्टॉल डॉकर, चलो डेमन स्टार्ट कर लेते हैं डॉकर का। ठीक हो गया इनेबल, ठीक हो गया। चलो अब हमें क्या करना है, डॉकर होस्ट में हम लोग डॉकर का पैकेज डाल लेते हैं क्योंकि डॉकर होस्ट में थोड़ा होना ही चाहिए भाई।
परफेक्ट। चलो अब हमें एक काम और करना है कि जेनकिंस सर्वर से एंसिबल को पासवर्डलेस बनाना है, ठीक है। तो जेनकिंस में मैं आ गया और यहाँ पर भी की बना के एंसिबल सर्वर पे भेजना है मुझे, क्योंकि डॉकर फाइल को मुझे कॉपी करना पड़ेगा जेनकिंस से एंसिबल पे। चलो तो एंसिबल सर्वर पे चलता हूँ, ये एंसिबल सर्वर है, यहाँ पर भी मुझे रूट का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा पहले। SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चलते हैं, ये भी हो गया। की नहीं भेजा हमने अभी, की भेज देते हैं SSH कॉपी ID-I root@, और एंसेबल सर्वर की प्राइवेट IP एक काम हमें और करना पड़ेगा, जेनकिंस सर्वर और एंसिबल सर्वर दोनों को हमें जेनकिंस में ऐड कराना पड़ेगा एज ए यूजर नेम पासवर्ड। तो उसके लिए आप सबको पता है कि पब्लिक ओवर SSH प्लगइन्स हमें डालने पड़ेंगे पहले जेनकिंस में, जो हमने लास्ट वीडियो में डाला था। तो पहले प्लगइन्स हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन्स मैनेज प्लगइन्स में आ गए। अवेलेबल SSH, ये आ गया पब्लिक ओवर SSH इंस्टॉल। स्टार्ट हो रहा है, हो गया। चलो दोबारा लॉगिन कर लेते हैं हम लोग अपने जेनकिंस को। अब हम लोग कहाँ पे जाते हैं, मैनेज जेनकिंस में जाते हैं और एंसेबल का यूजर नेम पासवर्ड IP एड्रेस और जेनकिंस सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड IP एड्रेस ऐड करते हैं कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में जाके। नीचे आ जाओ, सबसे नीचे ये देखो आ गया SSH सर्वर, ठीक है। ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे सर्वर, सबसे पहले हमने जेनकिंस को ऐड कर लेते हैं। होस्ट नेम क्या आएगा, तो होस्ट नेम हम लोग जेनकिंस का प्राइवेट IP एड्रेस ले लेते हैं, होस्ट नेम यहाँ पे ये ले लो, ठीक हो गया। यूज़र नेम, कौन से यूज़र नेम से कनेक्ट करोगे आप, रूट ले लिया मैंने। पासवर्ड क्या होगा, तो एडवांस में आना है आपको, यूज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना, ये हमने बताया था। आप की बेस भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, पासवर्ड मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद मैं वेरीफाई कर लेता हूँ यूज़र ने पासवर्ड सही है कि नहीं टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पर इसने एरर दे दिया ऑथ फेल,
क्योंकि मैंने जेनकिंस का पासवर्ड सेट नहीं किया है ना, जेनकिंस में रूट का पासवर्ड सेट मैंने अभी नहीं किया, इसलिए उसने एरर दिया, क्योंकि एंसेबल में हमने किया था और डॉकर होस्ट में। चलो यहाँ पर भी मैंने कर लिया, और उसके बाद हाँ बिल्कुल नहीं किया था हमने। चलो ये भी हो गया हमारा, अब टेस्ट करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पास हो गया ये। अब एंसिबल सर्वर भी ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने बोला एंसिबल, कॉपी किया हमने, यूज़र नेम रूट ही है, एडवांस में आना है, यूज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, चलो इसे भी हमने टेस्ट किया, ये भी सक्सेस हो गया, अप्लाई किया हमने और सेव, ठीक है। चलो अब हम लोग एक काम और कर लेते हैं कि गिटहब को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत ना हो हमें, तो गिटहब को भी इंटीग्रेट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेपोजिट्री क्रिएट करते हैं, क्रिएट रेपोजिट्री, और रेपोजिट्री का नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लाउड नॉलेज, ठीक है ये रख लिया मैंने क्रिएट। और यहाँ इस रेपोजिट्री में जो सोर्स कोड होगा वो आप ही हमारा डॉकर फाइल है, ठीक है ना, ऐसे डॉकर फाइल समझिए। तो नाम भी मैंने यहाँ पे रख दिया डॉकर फाइल, एक मिनट दोस्तों नेट चला गया, तो मुझे वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेट मेरा गया तो एंसिबल सर्वर भी मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जेनकिंस सर्वर भी मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारे AWS पे चल रहा है। तो दो मिनट आपको वेट करना पड़ेगा इंटरनेट को वापस आने में, तो तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे इंटरनेट वापस आएगा मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। चलो दोस्तों तो आ गया इंटरनेट वापस आ गया, तो हम लोग यहाँ पे थे डॉकर फाइल, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे डॉकर फाइल, ठीक है, और यहाँ पर ये रहा मेरा डॉकर फाइल, वही वाला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, कॉपी किया मैंने यहाँ पर और पेस्ट, ठीक है। चलो अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कमेंट। तो ये रेपोजिट्री हो गई, रेपोजिट्री के अंदर हमने डॉकर फाइल डाल भी दिया, अब हमें क्या करना है, इस रेपोजिट्री को हमें जेनकिन के साथ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेटिंग में आना है, मैंने हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, वेबहुक में आना है, एड वेबहुक, ठीक है। अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पे जेनकिंस का यूआरएल लेके आना है, तो जेनकिंस पे गया और ये रहा जेनकिंस का यूआरएल, यहाँ से मैंने कॉपी किया पेस्ट, उसके बाद गिटहब, सॉरी गिटहब और हाइफन वेबहुक, ठीक हो गया। यहाँ पर एप्लीकेशन जेसन और यहाँ पर टोकन, तो टोकन कैसे लेके आते हैं, यहाँ जाइए क्लाउड में, सारी चीज़ें हमने पहले भी कवर कर रखी हैं, कॉन्फ़िगर में जाइए, ऐड टोकन, जनरेट टोकन, यहाँ से मैंने टोकन कॉपी किया, वेबहुक में गया, यहाँ पे पेस्ट किया। ऐड वेबहुक करने से पहले आप इसे अप्लाई कर लेना है ना, नहीं तो आपको लगेगा यार टोकन भी डाल दिया लेकिन क्या दिक्कत आ रही, तो जो टोकन निकाला उसे सेव तो करिए पहले, पहले पूरा सेव होने दीजिएगा,
अब उसके बाद इसे एड वेब बुक करिएगा, नहीं तो फिर आपको एरर देता रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या दिक्कत आ रही है भाई। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको हम लोग, देखिए हो गया। चलो अब हम लोग यहां पर चलते हैं जॉब क्रिएट करने। तो न्यू आइटम पे गया मैंने, यहां पर जॉब का नाम मैंने रखा क्लाउड नॉलेज जॉब, ठीक है, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, ओके। अब हमारा इंपॉर्टेंट टास्क स्टार्ट हो रहा है। नीचे आ जाए यहां पर गिटहब, गिटहब का यूआरएल, यहां से कॉपी किया मैंने, लो यहां पे पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। चलो अब मैं यहां पर आया बिल्ड, यहां पर सेंड फाइल एग्जीक्यूट कमांड ओवर SSH। मैंने बोला सबसे पहले जॉब कहाँ चलनी चाहिए, जेनकिंस में, और क्या जॉब चले, मैंने बोला rsync कमांड चले सबसे पहले, ठीक है, और वेर लिब जेनकिंस के अंदर से, राइट, इंटरनेट की वजह से ये सर्वर भी डिस्कनेक्ट हो गया था तो दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो सीडी वेर लिव जेनकिंस के अंदर वर्क स्पेस, अब देखिए वर्क स्पेस अभी आ नहीं रहा क्योंकि जब जॉब चलेगी तब आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो यहां पर मैं हालांकि डिफाइन कर देता हूं जेनकिंस के अंदर वर्क स्पेस के अंदर एक फोल्डर बनेगा, किस नाम का, जिस नाम का आपका जॉब है, जॉब किस नाम का है, क्लाउड क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब, उसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम है डॉकर फाइल, उसको उठाना है और उसको कॉपी करना है कहाँ पे, एंसिबल सर्वर पे। तो एंसिबल सर्वर की आईपी क्या है, ये एंसिबल सर्वर की आईपी मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये मैंने डाला एनसीबल सर्वर पे, कहाँ कॉपी करना है, मैंने बोला ओपीटी के अंदर कॉपी कर देना, ठीक है। चल ये हो गया मेरा, देख लो आप भाई, आप लोग कमांड देख लो कैसी है, ये देखो rsync यूज किया हूं, परफेक्ट। उसके बाद मैंने बोला अगला, अब मैंने बोला अगला टास्क एंसिबल पे चले, और एंसिबल पे अब क्या चले, तो जब एंसिबल पे डॉकर फाइल आ गई तो अगला टास्क एंसिबल पे ये चले कि सीडी करके एंसिबल के अंदर ओपीटी के अंदर जाओ और क्या करो, डॉकर इमेज बिल्ड माइनस टी और वेरिएबल नेम, ठीक है ना, ये लो जॉब, अब ये वेरिएबल नेम आपको देखना है ना तो आप इंटरनेट में आके देख भी सकते हो, पता है, देखो मैं आपको दिखाता हूं जेनकिंस वेरिएबल लिस्ट, ये देखें, देख रहा है आपको यहां पर जॉब नेम सारी चीज यहां पर है, तो ये बिल्ड हो जाएगा डॉट, बोले तो ओपीटी के अंदर पड़ा हुआ है तो मैंने डॉट बता दिया करंट पाथ, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा हम लोग ऐसे बड़ा कर लेते हैं, सारी कमांड यहां पे लिखनी पड़ेगी हमें, ये पूरी कमांड हमें लिखनी है जो आपने यहां पर ये किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने बोला जब ये बिल्ड हो जाए तो अब आपको क्या करना है, टैग सेट कर देना है, डॉकर इमेज टैग, ठीक है, जॉब अंडरस्कोर नेम बिल्ड ये लो, परफेक्ट, ठीक है, एक टैग हो गया। अगला टैग भी सेट करना है हमें, डॉकर इमेज
टैग लेटेस्ट वाला बताया था हमने थ्योरी में, ये लो कोई भी वन नहीं देते हैं हम लोग, यहाँ पे सीधे लेटेस्ट लिख देते हैं। परफेक्ट, चलो ठीक हो गया ये। अब हमें यहां पर क्या करना है, पुश है ना, तो उसके लिए हमने बोला डॉकर इमेज पुश जॉब, पहले स्पेसिफिक टैग वाला पुश कर देना, ये लो, उसके बाद लेटेस्ट वाला पुश कर देना, परफेक्ट हो गया, क्लियर। और पुश करने के बाद सारी इमेज को डिलीट कर देना, तो बोलो डॉकर इमेज RMI जॉब ये परफेक्ट। चलो एक बार हम लोग इस कमांड को समझ लेते हैं, समझिए डॉकर इमेज बिल्ड नाम क्या होगा, वेरिएबल हमने यहां पे मेंशन किया, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है ये देखिए यहां से उठा लेगा क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब, और ये कोलन v1 हमने अपने से ऐड किया, उसके बाद डॉट डॉलर बिल्ड आईडी, ये भी एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जॉब जब चलेगी तो जॉब की एक आईडी नंबर आती है, वो आईडी इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगली बार हमने अगली कमांड हमने क्या किया, टैग सेट किया, देखिए जॉब नेम सेम चीज है, बिल्ड यहां पर भी हमने बिल्ड आईडी नहीं दी, तो ये गलती हो जाएगी भाई, वेरिएबल का नाम ये है एक्चुअल में, ध्यान रखिएगा। चलो ये भी परफेक्ट है हमारा, ये कमांड भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, जॉब नेम बिल्ड यहां पर भी हमने आईडी नहीं दी, बार बार मिस्टेक कर दिया हमने यहां पर, ठीक हो गया। चलो यहां पर भी आईडी नहीं दिया हमने, क्योंकि वेरिएबल का नाम देखें तो क्या है, देखिए बिल्ड अंडरस्कोर आईडी है ना, यहां पर भी आईडी नहीं दी हमने, यहां पर आईडी दी, चलो परफेक्ट। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, एंसिबल सर्वर पे ये डॉकर फाइल बिल्ड होके जो इमेज बनेगी, लेकिन जब पुश करेगा ना तो डॉकर हब में जब पुश करेगा तो आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो डॉकर हब हमारा ये है, ये हमारा डॉकर हब आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारा क्या है डॉकर हब है, तो एनसिबल सर्वर पे ना हमें डॉकर हब को ना लॉगिन करके रखना पड़ेगा, पता है, तो ये एनसिबल सर्वर है, इस पे हमें डॉकर हब को लॉगिन करके रखना पड़ेगा, तो मैं एनसिबल सर्वर को पहले लॉगिन कर लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये मिस कर जाओगे तो आपका प्रोजेक्ट हो नहीं पाएगा, पता है, तो एनसिबल सर्वर पे आए और सबसे पहले आप क्या करें, डॉकर लॉगिन करें, ये लो, तो मैंने अपना आईडी पासवर्ड दिया, यही तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और डॉकर अगर नहीं आता तो ये प्रोजेक्ट तो आप समझ लीजिए कर ही नहीं पाएंगे। चलिए लॉगिन हो गया, ये हो गया, अब हमने क्या करना है, अभी जब जॉब चलेगी ना तो एनसिबल सर्वर के ओपीटी के फोल्डर पे वो डॉकर फाइल आ जाएगी, ठीक है, और बिल्ड हो जाएगा, लेकिन हमने एनसिबल सर्वर पे एक प्लेबुक भी डिफाइन करनी है ना, जो डॉकर होस्ट में जाकर कंटेनर बनाएगा, तो हमने वो प्लेबुक कहाँ पे लिखनी है, मैंने एक फोल्डर बनाया सोर्स कोड नाम का, इसके अंदर प्लेबुक मैं डिफाइन कर लेता हूँ, VIM प्लेबुक का नाम मैंने रखा डॉकर डॉट यामल रखता हूँ, ये लो होस्ट
ऑल दे देता हूँ मैं यहाँ पर, और टास्क, टास्क में मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया नेम क्रिएट कंटेनर, ठीक है, और सेल मॉड्यूल ही यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटी हाइफन हाइफन नेम क्लाउड नॉलेज कंटेनर हाइफन पी पोर्ट मैपिंग नाउन 9080 के साथ, और इमेज क्या है SD17199 यहाँ से उठा लेगा, इमेज का नाम क्या है क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब, परफेक्ट, सेव करके बाहर आओ। चलो अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा ना, जैसे बिल्ड हो गया तो हमने पोस्ट बिल्ड सेक्शन में जाके बताया कि जब बिल्ड हो जाए तो उसके बाद क्या करना, कि उसके बाद एनसेबल पे जाना और ये प्लेबुक एग्जीक्यूट करके आ जाना, जो कहाँ पे रखी है एनसेबल हाइफन प्लेबुक, कहाँ पे रखा है सोर्स कोड के अंदर docker.yaml, परफेक्ट। अब अप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारा जॉब कंप्लीट। अब हम इस जॉब को करते हैं रन, तो कैसे रन करेंगे, बिल्ड नाउ, ये लो देखो बिल्ड हो रहा है, कोई समस्या नहीं आई तो सक्सेसफुल बिल्ड हो जाएगा हमारा। टाइम लेगा थोड़ा सा, डॉकर फाइल बिल्ड करेगा, हो गया और ग्रीन ब्लू आ गया, मतलब सक्सेसफुल है। तो अब अगर आप यहां पे जाएं डॉकर होस्ट में तो आपको कंटेनर बना हुआ मिलना चाहिए, डॉकर कंटेनर ls, देख सकते हैं कंटेनर अवेलेबल है। और अगर आप डॉकर हब में जाएं, देखिए हब में रिफ्रेश करता हूं यहां पर मैं, तो देखिए यहां पर क्लाउड नॉलेज इमेज भी आ चुकी है, और इमेज के अंदर अगर मैं जाता हूं तो देखिए यहां पर लेटेस्ट और v1 देख सकते हैं आप लोग, लेटेस्ट भी आई, क्लियर। और अगर डॉकर होस्ट में आप चेक करें डॉकर इमेज ls, तो कौन सी इमेज उठाया उसने, लेटेस्ट वाला, देख सकते हैं आप लोग, परफेक्ट। अगर एनसेबल सर्वर पे भी आप जाकर देखें डॉकर इमेज ls, तो कौन सा आया, आया नहीं, डिलीट कर दिया है ना, क्योंकि हमने क्या बोला था पुश करने को डिलीट कर देना, तो एनसेबल सर्वर पे है ही नहीं, सीधे वो सेंट्रलाइज में है। और अगर आपको थोड़ा सा देखना है डॉकर होस्ट पे आ जाए, इस कंटेनर पे आपका एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है, इस कंटेनर पे आपने पोर्ट मैपिंग भी कर रखी है, सॉरी कंटेनर लेस, देखिए पोर्ट मैपिंग भी आपने कर रखी है 9000, तो डॉकर होस्ट का पब्लिक आईपी अगर आप उठाएं और इंटरनेट पे अगर आप जाएं 9000, तो ये देखो आपकी एप्लीकेशन चल रही है, कहां पे चल रही है दोस्तों, डॉकर होस्ट के अंदर कंटेनर पे, परफेक्ट। चलो अब थोड़ा सा आपको चमत्कार दिखाता हूं मैं, चमत्कार नहीं इंपॉर्टेंट चीज। अब अगर मान लीजिए गिटहब में जाइए और गिटहब में डॉक डेवलपर ने या डेवऑप्स इंजीनियर ने क्या किया, इस डॉकर फाइल पे चेंजेस कर दिया, ठीक है, इस डॉकर फाइल पे चेंजेस कर दिया, मान लीजिए ये सोर्स कोड चेंजेस कर दिया, या गिटहब में कर दिया, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिस्टम से बैठ के वहां चेंजेस करके कमिट करके पुश कर दिया,
अभी ये यूआरएल है, ये यूआरएल चेंज कर देते हैं, ठीक है, इंटरनेट में चल के कोई नया यूआरएल हम लोग उठा के लाते हैं। चलिए, तो मैंने यहां पे बोला सैंपल वेबसाइट डाउनलोड। अब समझने वाली चीज है दोस्तों, कोई भी उठा लेते हैं बढ़िया सा। चलो ये उठा लेते हैं हम लोग। कॉपी लिंक लोकेशन, और सबसे पहले मैं ना इसको चेक कर लेता हूँ कि डब्ल्यू गेट करने के बाद टैम्प में चल के किस नाम से आता है, ठीक है। तो डब्ल्यू गेट ये आ गया travel.zip, ठीक है, और अनजिप करने के बाद इसका फोल्डर कैपिटल होता है या स्मॉल होता है वो भी चेक कर लेता हूँ। तो ये आ रहा है राइट, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है तो ये नहीं उठाता हूँ मैं, सिंगल नेम वाला उठाता हूँ जिससे हमें दिक्कत ना हो। ये उठा लेते हैं, इसको चेक करते हैं। चलो ये ठीक है, सिंगल नेम है फोटो जैन। तो ये यूआरएल में गया और अपने गिटहब पे गया और मैंने क्या किया, ये यहाँ से मैंने डिलीट और ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे फिर मुझे, ये लो आराम से चेंज करना दोस्तों, कोई कीवर्ड मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। ये डॉकर फाइल उन बंदों को समझ लग रहा होगा जिन्होंने डॉकर का कोर्स पढ़ा है, इसलिए मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है नंबर ऑफ टूल्स को मिलाकर, इसलिए कहा जाता है जेनकिंस को पढ़ने के लिए सारे टूल्स पहले आने चाहिए। अब फोटो का पी कैपिटल है या स्मॉल है अगर वो कंफर्म कर लेता हूँ, स्मॉल है, ठीक हो गया। यहाँ पर भी इसको हटा देते हैं, ठीक हो गया ये। चलो तो यहां पे डेवलपर ने कमिट किया, ठीक है, जॉब नहीं चलेगी अपने आप क्योंकि हमने जो जॉब बनाया तो उस पर हमने ये सेट नहीं किया है, जॉब अपने आप चलने वाली नहीं है। क्या सेट नहीं किया मैं आपको बता देता हूँ, गिट हब ये हमने सेट नहीं किया, इसलिए जॉब अपने आप नहीं चलेगी, अभी सेट किया हूँ। अब ऐसा नहीं कि बाद में सेट करने के बाद चल जाए, ठीक है, अब कुछ एडिट करके कमिट करोगे तब चलेगी। तो अभी मैं इस जॉब को मैनुअली चलाता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको, क्या दिखाऊंगा कि ये जो कंटेनर डॉकर होस्ट पे है ये कंटेनर डिलीट होगा, इसकी जगह नया कंटेनर आएगा, और नया कंटेनर आएगा तो डॉकर हब से लेटेस्ट वाली इमेज उठाएगा, ठीक है। कौन सी लेटेस्ट वाली इमेज, इस जॉब को चलने के बाद बिल्ड होके जो इमेज बनेगी वो भी डॉकर हब में जाएगी ना, वो वाली इमेज उठा लेगा। तो अगर मैं डॉकर इमेज एलएस करता हूं तो ये इमेज भी डिलीट हो जाएगी, देखिए ये इमेज 7 मिनट पहले आई थी, कंटेनर भी डिलीट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। जॉब चलाते हैं तब समझ में आएगा। तो बिल्ड नाउ मैंने किया, जॉब चलना स्टार्ट हो गई, देख सकते हैं आप लोग।
तो अब यहां पर चलते हैं हम लोग, अब यहां पर डॉकर इमेज एलएस करें, राइट। तो ये इमेज अभी भी पड़ी हुई यहां पर, कंटेनर का जरा देखें, तो ये जॉब हमारी अभी सक्सेसफुल नहीं हुई है, कहीं पे स्टक हुई है, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। एक बार मैं यहां पे देखता हूँ, यहां पे इमेज बिल्ड हुआ है कि नहीं पता लग जाएगा। चलो तो जॉब के स्टेटस में ही जाके पता लगेगा। तो कंसोल आउटपुट पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर चेक करते हैं कहाँ पे स्टक हुआ है। ये बिल्ड हुआ, ये बिल्ड हुआ, ये भी हो गया, पुश भी हो गया है। हब में जाके देखते हैं, पुश भी हो गया है। पुश भी हो गया, ये देखिए पुश भी हो गया लेटेस्ट। ये देखिए लिखा है एक मिनट आगो, है ना, ये भी आ गया था एक मिनट आगो। फिर दिक्कत कहाँ पे आई मुझे पता चल चुका है, आप लोगों को बता देता हूँ। दिक्कत हमारी यहाँ पे देखिए, एनसीबल के अंदर जो प्लेबुक बनाया था ना, जो डॉकर होस्ट में जाके कंटेनर क्रिएट करना था, वो प्लेबुक नहीं चली है, क्योंकि उसी नाम का कंटेनर ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, उसी नाम का कंटेनर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, आपको पुरानी वाली कंटेनर को स्टॉप करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, पुरानी वाली इमेज को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। तो वो तो आपने इसके अंदर डिफाइन ही नहीं किया था, है ना। हमने थ्योरी में तो ये देखा था ना, ये पूरा सेट करना पड़ेगा आपको। तो जो प्लेबुक चली, लेकिन क्या बोला, ऑलरेडी कंटेनर एग्जिस्ट है, एरर दे दिया वहां पे उसने। तो हमें यहां पर बोलना पड़ेगा नेम स्टॉप कंटेनर, डॉकर कंटेनर स्टॉप, क्या नाम है भाई कंटेनर का, क्लाउड नॉलेज हाइफन कंटेनर, है ना। ये लो, और कंटेनर को रिमूव भी करना है, ये लो। रिमूव कंटेनर, डॉकर कंटेनर आरएम क्लाउड नॉलेज कंटेनर। अब इमेज भी रिमूव करना है भाई साहब हमें, ये लो, रिमूव डॉकर इमेज, यहां पे सेल सेट कर दिया मैंने, डॉकर इमेज आरएम सॉरी दोस्तों कॉल आ गया था, तो डॉकर इमेज आरएम और इमेज का नाम आपका क्या है देख लेते हैं। क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब, राइट। तो जो इमेज हमें रिमूव करना है SD17199 क्लाउड नॉलेज हाइफन जॉब, ठीक हो गया। चलो सेव करते हैं और बाहर आते हैं, अब चलाते हैं जॉब। तो अब हमारी जॉब चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें यहाँ पर। बिल्ड नाउ,
जॉब पास हो गई हमारी, और जब जॉब पास हो गई तो अब आप यहाँ पर अगर डॉकर कंटेनर एलिस करते हैं तो देखिए 13 सेकंड पहले कंटेनर बना और इमेज भी यहाँ से उड़ गई होगी। डॉकर इमेज एलिस देख सकते हैं 41 सेकंड पहले नई इमेज आई है। और डॉकर हब में जाते हैं अगर आप तो देखिए यहाँ पर आपको डॉकर हब में तो पहले भी आ रही थी, देख सकते हैं फ्यू सेकंड आगो। और अगर जॉब में जाते हैं, अब जॉब का स्टेटस देखते हैं तो देखिए आपको पूरा स्टेटस नजर आएगा, कंसोल आउटपुट कैसे कैसे जॉब चली है देख सकते हैं यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। ये देखिए लास्ट में जाके देखिए क्या हुआ, सक्सेस हुआ है। और यहाँ पर आए और यहाँ पर अगर रिफ्रेश करें तो ये कंटेंट भी चेंज होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये देखिए कंटेंट भी चेंज हो गया। तो ये था दोस्तों हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट जो हमने डॉकर को इस्तेमाल करके हमने बनाया है, डॉकर को यूज़ करके। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था ये। तो इसी के साथ साथ हम लोग इस प्रोजेक्ट को यहीं पे करते हैं स्टॉप, राइट। अगला प्रोजेक्ट हमारा होगा क्यूबनेटिस के साथ, तो अगला प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे क्यूबनेटिस के साथ। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पर स्टॉप, अगले प्रोजेक्ट में मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।